शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देना मसीह जगत में सबका दायित्व है। इन बातों को ज्ञान की नहीं समझकर व्यवहारिक जीवन में जो वचन के अनुसार है वो आपको करना चाहिए। अर्थात हम सबको जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, क्योंकि एक शब्द आया है कि किसी के प्राण का अगर नुकसान होता है तो उसके प्राण के नुकसान का बदला आपसे लिया जाएगा। इनके मैं टैक्स लगा दूंगा, पर इन बातों को समझिए। और बार बार जब ये बात आती है, ज़्यादातर मार्ग की बात आती है, पिछले समय भी हमने आत्मा के मार्ग की बात करी, और यिर्मयाह 6:16 में बहुत साफ है, प्राचीन मार्ग के लिए सड़क पर खड़े होकर प्राचीन मार्ग को देखो। क्यों बोला गया है ये सारे शब्द जो वचन के हैं मैं आपके सामने पहले रख दे रहा हूँ सिलसिलेवार, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। जंगल में पुकारने वाले का शब्द, मन फिराओ, मार्ग सीधा करो, आड़े तिरछे पत्थर पड़े हुओं को साफ करो, खाइयों को भरो, चौरस करो, ये करने वालों के लिए वादे भी हैं कि अगर तू मेरे मार्ग पर चले और उसकी रक्षा करे तो वचन का वादा है कि तू न्यायी होगा, मेरे आंगनों का रक्षक होगा। ये सब बातें वचन में परमेश्वर पिता ने क्यों रखी? ये सब बातें सभी के करने के लिए है। देख रेख करना और रक्षा करना सब करते हैं अलग अलग तरीके से, पर परमेश्वर ने अपना मार्ग बताया। यशया के बहुत सारे यशया में रेफरेंसेस हैं, ये यिर्मयाह में है, मलाकी में है, नए नियम में है। इसकी वजह क्या है कि निश्चित कुछ ऐसा हो रहा है। मैं जेंटाइल्स की बात नहीं कर रहा, मैं मसीह जगत की बात कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। धर्मी बनने के चक्कर में प्रार्थनाओं के जीवन में कर्तव्य दायित्व वाकई में वैसे निभा पा रहे हैं, या सिर्फ जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जय मसीह की करके, पर घर में तूफान मचे हैं, अलग अलग तरीके के, बहुत अलग तरीके, बहुत सी समस्याएं हैं। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो मणिपुर का सुन के देख के प्रत्येक और प्रत्येक इंसान का जो हृदय है उसकी अनुभूति किस तरह का लगा, जिसको बोलते हैं हृदय विदारक घटना, उससे भी बड़ी घटनाएं परिवारों के अंदर घटित होती। बुजुर्गों का आपने देखा है, बुजुर्ग माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो लोग जिनने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, थोड़ी सी नौकरी लग गई, थोड़ी पोस्ट आ गई, फॉरेन में चले गए, किसी पद में है, ये मसीह लोगों के बीच में पाई जाने वाली बातें मैं बता रहा हूँ। और उनके साथ जो दुर्व्यवहार होना शुरू होता है, उनकी आत्मा हर दिन रोती है। जिस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है, भूखे रहते हों, बीमार पड़े हों, बाहर निकल के उन्हीं के बच्चे बड़ी दया और प्रेम की बातें एक दूसरे से करते हैं, पर अपने परिवार के अंदर, ये तो परिवार हुआ, एक परिवार माँ बाप के द्वारा और बच्चों का व्यवहार अपने माँ बाप के द्वारा कितना घृणित हो रहा है। और एक वो हैं जो बे औलाद हैं पति पत्नी, उनके साथ उनके रिश्तेदार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पीछे क्या छिपा हुआ है। ऐसे लोग हर दिन कितने पीड़ित होंगे, क्योंकि इस पे ध्यान दिया गया, कितना दिया गया, पर आत्मिक इसका नुकसान उनको जो इस तरह से करे हुए हैं, सोच लेते हैं कि नहीं, क्षमा मांगने से, एक बार हम क्षमा मांग लेंगे सब चीज़ ठीक हो जाएगी। नहीं, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, आपको वो दंड भोगना पड़ेगा उस मार्ग पर, मार्ग का दंड, सकरा मार्ग, चौड़ा मार्ग, मैं भी मार्ग के बारे में बहुत सारा, तो उस हिस्से का एक मार्ग जो परिवार में घटित होता है एक हिस्सा, और बे औलादों के साथ घटित होता है दूसरा हिस्सा। और इस सब का जो निचोड़ है, वो निचोड़ लेना ही है कि जब तक उनकी तरफ से उनको मिलता रहेगा,
वो जी हुजूरी करते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे, ये पूरा देखने में आता है। और जब वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि घर के लोग ही दुश्मन होते हैं, तो वो शैतान उनको लालच में फंसा के मजबूर करता है कि सब कुछ अपने नाम कर लेना, छीन लेना, छीन लेते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहने देते, मरे हुओं के शरीर से गहने उतार के रख लेते हैं। तो शैतान ने कितने निम्न स्तर का बना दिया है ऐसे लोगों को, उसकी तुलना में मणिपुर में जो उन दो महिलाओं के साथ पूरी भीड़ कर रही थी, वही तो कर रहे हैं ये लोग। क्या सोचते हैं कि आत्मा नहीं जानती या परमेश्वर नहीं देखता? तो सोचिए कि जो बार बार आप बोलते हैं कि पाप द्वार पर खड़ा रहता है, चीरने फाड़ने के लिए आता है, नहीं, वो मनुष्य का इस्तेमाल करके उन्हीं के लोगों को चीरता फाड़ता है। जैसे कहा गया है ना, चरवाहे अपने भेड़ का ही मांस खाते रहते, जबकि एक छोटा छोटा झुंड इस तरह के लोगों को जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपना दुख भी नहीं कह सकते, उनके आंखों के आंसू तक सूख चुके हैं और बेशर्मी इतनी है, ऐसी नाके बड़ा बड़ा के बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं, अंदर घिनौना लालच सड़ांद और दूसरों का लूटना और चापलूसी भरी हुई, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तोड़ देते हैं, ये परिवार के परिवार को नाश करने वाले दूसरे नहीं होते, ये रिश्तेदार होते हैं, ये औलादे होती हैं, ये दोनों पक्ष बता रहा हूँ, और ये मैं अंदाज नहीं बता रहा हूँ, ये लगातार सारे परिवारों में घटना हो रही है। और इनकी औलाद व्यभिचार में पड़कर जो काम कर रही है वो इनके बस का भी नहीं है। और ये दूसरे मसीहों को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु के नाम में जिंदगी में आशीष पाए कभी नहीं सोचे, वो बुजुर्ग माँ बाप के लिए कभी नहीं सोचे, उन बे औलाद माँ बाप के लिए जो माँ बाप हुए नहीं, पर उनका छीनना, दोष लगाना, अलग अलग तरीके से मानसिक दबाव डालना, अपने मतलब के लिए घर के घर बिगाड़ देना, और बड़े साफ तरीके से बोलते हैं हमने नहीं बिगाड़ा, हमने ऐसा नहीं किया। चोर, मैंने बड़े शानदार चोर देखे हैं, लोगों की नजरों में बड़े इज्जतदार, पर अंदर से चोर, लुटेरे, डाकू। और सबसे बड़ी बात, सबसे घिनौनी और गिरी हुई, जो मणिपुर की तुलना से भी ज्यादा गिरी हुई, कि उनके षड्यंत्र। तो आज ये बात क्यों लेके आया, ये सच्चाइयां, खैर परमेश्वर न्याय है, उनका किया परमेश्वर देखेगा। पर आज जब हम आज से सतर्क हों, जैसे वचन कहता है कि अगर हम उस मार्ग को जाने और फिर इनकार करें, चलने से इनकार करें, तो प्राण का बदला तो निश्चित है, और प्राण बचाने वाले तो खैर नाश होंगे। बहुत बड़ी बड़ी धर्मों की बात, और बहुत प्रेम और दिखावे और ढोंग और षड्यंत्र और पाखंड की बात से ज्यादा अच्छा है कि छोटी छोटी बातों में मददगार हो जाए एक दूसरे के लिए, और ऐसे लोगों को संभाल लें, सच में वो बुजुर्ग आशीष का कारण बन जाए। अभी की जनरेशन को छोड़ दें, अगर पिछली देखें तो सब कोई बोलते हैं वो बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, पुराने बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, भले थे। ये जो जनरेशन दिखावटी और चालाकी की चल रही है, ये मसीहत को बदनाम कर रही है। बहुत चर्च जाएंगे बंठन के दुनिया भर का, और घर में जो दलदल मचा हुआ है पाप का, कीच का, लोभ का, लालच का, घमंड का, गुस्से का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये सुनने के बाद भी ये मुझे जो बोलना पड़ रहा है, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है इस तरह की बोलने, पर सामने जैसे जैसे लोगों का आता है, मैं उन लोगों के फ़ोनों को भी अटेंड करता हूँ जो डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन बजे तक नहीं सो पाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें त्याग किया, अपना जीवन शादी नहीं की, आज 50-55 की उम्र में नौकरी कर रहे हैं, कुंवारे हैं, उनकी तकलीफ, समाज किस तरह से उनको प्रताड़ित करता है अकेली औरत समझ के, रिश्तेदार किस तरह से उनको लूटते हैं अकेला समझ के, ये ऐसी सच्ची गवाहियां हैं। आप सोचिए ना, जो खासकर रोमन कैथलिक्स में देखा गया है, ये खूबसूरत बात, लोगों को शायद कुछ को पसंद ना आए जो
चर्च में विभाजन और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर वहाँ जो नंस आती हैं वो अपने माँ बाप और परिवार को छोड़ के प्रभु की सेवा के लिए आती हैं। वहाँ के ज़्यादातर पास्टर अपने परिवार को छोड़ के पूरे समर्पण में वचन के अनुसार, आप दोष लगा सकते हैं, बहुत सारे दोष लगा सकते हैं कि उनकी बाइबिल और इनकी बाइबिल और ये, मूल्य तो पिता देखता है, वो भी महिलाएँ हैं। सब महिलाएँ ऐसे नहीं समझ लेना, सब परिवार में नहीं है, ये उन परिवारों में हैं जिनमें आशीष आ गई है लूट की, जो लूट रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, और खासकर जो ज़्यादा बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच गए हैं, उनको लगता है बड़ी बड़ी पोस्ट, उनकी गलत फहमियाँ हैं। जो छोटे हैं मिडिल, उसमें एक हायर होते हैं, एक लोअर होते हैं, जो लोअर हैं उनमें ये बात नहीं मिलेगी, उनमें अपने लोगों के प्रति एक स्नेह प्रेम मिलेगा, मदद का, वो कहीं भी दूसरों के लिए भी तैयार होंगे। पर ये जो ढोंगी हैं, जो अपने आप को धनी समझ लिए, नहीं मैं क्लास टू ऑफिसर हूँ, क्लास वन हूँ, उनके बीच में ये चीज़ नहीं मिलेगी आप, उनके बीच में घमंड मिलेगा, घिनौना, और तमाम उनकी सारे घर के अंदर गंदगी मिलेगी। हाँ, चेहरे वो हाथी के दांत वाले इनके दिखेंगे, पर बुराइयाँ इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई मिलेगी, क्योंकि छोटे नहीं बने। और इन्हीं परिवारों में ज़्यादातर बे औलादों के साथ और बुजुर्ग माँ बापों के साथ घिनौनी हरकतें होती, और शर्म भी नहीं आती, अपने दोष छिपाए रहते हैं। ये बहुत गंभीर है। जब मार्ग की बात हम कर रहे हैं, तो ये मार्ग नहीं है तो क्या है? तुम्हारा चाल चलन का, जो तुम्हारे घर और परिवार में तुम्हारी दिनचर्या क्या है, इतनी घिनौनी, थोड़ी सी बातें करना, बस इकट्ठे होकर दिखावा करना, बस दुष्ट तुमको निचोड़ रहा है। तुम बीमार हो, घिनौनी घिनौनी मरते मरते बचे हुए लोग हो तुम। अपनी पूंजियों को तुमने डॉक्टरों को लुटाई है, जो इस कैडर में अपने आप को देख लें। यहाँ तक कि तुम जैसे लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना तक नहीं सुनता। अगर तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करता है, तुम डॉक्टर पर निर्भर हो चुके लोग, तुम्हारा शरीर बीमार है, तुम्हारा मन बीमार है, तुम्हारा विवेक बीमार है, तुम्हारी बुद्धि बीमार है, और आत्मा तो तुम्हारी मरी ही हुई ही है, मरी हुई, तुम नई सृष्टि नहीं हुए। यह वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वो वीडियो नहीं होते मेरे जो पैसा कमाने और व्यूवर्स के लिए हो। चाटुकारी वाली बातें नहीं रहती, ढोंग और दिखावा नहीं रहता, पहचान परमेश्वर कराता है। तुम लोग सिर्फ विचार कर सकते हो, जबरदस्ती में अपने आप के ऊपर एक आवरण चढ़ा के अपने आप को बड़ा समझ सकते। परमेश्वर करता है जो वो हमेशा का, शैतान की हाथ की कठपुतली बनकर, ये घिनौने काम बंद करो, तुम्हारी औलादें व्यभिचार में गिर रही, साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सब पता है, पर बेशर्मी है, अपने आप को छिपा रहे हो नंगो, जैसे आदम और हवा ने छिपाया था, परमेश्वर के सामने खुले नहीं है। तो जो तुमने बोया है वो तुम काटोगे, उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ चीजें मार्ग की नोट कर लीजिए, है ना, जो मती 3:3 में कहा गया, मार्ग तैयार कर, ये याद रखना, प्राण का बदला लिया जाए। आपके कानों ने सुना है तो आपको सतर्क करना पड़ेगा कि ये घिनौने काम तुम्हारे आसपास अगर होते हैं तो उसका विरोध करो। तुम्हें यहाँ का कानून नहीं बचा सकते, तुम्हें यहाँ का संविधान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम यहाँ सेकंड सिटीजन होने वाले, तुम्हारे वोट के भी अधिकार नहीं रहेंगे, तुम कुछ भी नहीं रहोगे। तो अपने भाई बहनों के साथ प्रेम का व्यवहार, सचमुच में प्रेम का व्यवहार, ये पूरा महीना एलूल का है, कि जब इकट्ठे हों एटलमेंट में, योम कीपुर में, तो निष्कलंक और निर्दोष हों। यशाया 40:3 देख लीजिए, जहाँ पर तराई जो है भर दी जाए, कंकड़ पत्थर अलग कर दिए जाए, चौरस कर दिया जाए, यही कर रहा था, यही था कि ये जो कलवरी की भूमि में कंकड़ पत्थर की क्या है? अगर कलवरी की भूमि है आपके जीवन में, प्रभु यीशु है, वो सूली है, वो क्रूस है, वो याद है, ये याद है आपको कि आप पापी थे और प्रभु यीशु ने आपका बलिदान दिया, उसके बाद पाप कर रहे हो, उसके बाद पाप की क्षमा मांगने के बाद पाप कर रहे हो, तो मणिपुर में जो कर रहे थे वो लोग, वो भीड़, तुम उससे भी ज्यादा घिनौने, तुम प्रभु यीशु को उसी तरह चौराहे पे नंगा कर रहे हो और अपने पैरों से रौंद रहे हो। जैसे यह 42:16 में कहा है, मैं अंधों को, अंधों के लिए बात हो रही, अंधों को ऐसे मार्ग से लिए चलूंगा, देख लेते हैं, मैं अंधों को ऐसे मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते
और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। जो सचमुच में अंधे, जो नहीं जान रहे, तुम तो जान रहे हो, तुमने तो सुन लिया है, अपने लोगों के दुश्मन क्यों बन रहे हो, अपने लोगों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो? और जहां जहां ऐसा हो रहा है, सोच लो तुम मरे हुए लोग हो, श्रापित हो। और मसीहत में उन जैसे जो बहुत प्यारे खूबसूरत चरित्र और आचरण के हैं, उनके लिए तुम रुकावट हो, तुम पत्थर हो मार्ग में पड़े हुए, तुम फेंक दिए जाओ उन तराइयों में भरने के लिए। तो अपनी छोटी छोटी लालसाओं के कारण बेऔलादों के साथ अत्याचार बंद करो, ऐसी बुजुर्ग कुंवारियों के साथ दुर्व्यवहार बंद करो, अपने बुजुर्ग माँ बापों के साथ दुर्व्यवहार बंद करो। बहुत से हैं ऐसे कि अगर इसमें देखा जाए तो सबसे उत्तम मार्ग कहा गया है, पहला कुरंथी 12:31 में आखिरी पद, मैं पढ़ देता हूँ 31वें पद में। देखो यहाँ तो पूरे क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसके पहले पढ़ोगे तो वो अन्य अन्य भाषा और वरदान के बारे में तो पता चला, वो वरदान दुष्ट आत्माओं के द्वारा काम कर रहा है। अपने चरित्र का तो पहले देख लो कि वाकई में तुम्हारा चरित्र और आचरण परमेश्वर के प्रेम में है या घिनौने दलदल में सड़े हुए एक सड़ी हुई आत्मा के साथ दुर्गंध कर रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ है 31, पढ़ देता हूँ ऐसे लोगों, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, तुम उसी की धुन लगाए रहो, पर अपने चरित्र और आचरण और रक्षा करना और मार्ग, इससे कुछ मतलब नहीं, मार्ग को नहीं समझना, सक्रे मार्ग पर तो बिल्कुल नहीं। मती 7 में है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। उत्तम मार्ग सुन लिए या समझ लिए? पौलुस ने बता दिया सबसे उत्तम मार्ग, बताया किसी ने? अभी ये उत्तम मार्ग समझ रहे हो जिसमें उत्तम हो जाओगे? प्रभु के लोगों, उसके लोगों जैसे रहो ना, पवित्र आत्मा की आवाज का इनकार मत करो, पवित्र आत्मा की सुन लो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बड़ा इस पृथ्वी का कोई भी इंसान नहीं हो सकता। अगर मनुष्य की पूजा कर रहे हो और उससे उम्मीद रख रहे हो, तो सोच लो जिससे उम्मीद रख रहे हो और वो तुम्हें आश्वासित कर रहा है, तो वो दुष्ट आत्मा के द्वारा है 100%। और तुम धोखा खाने वाले हो, क्योंकि तुम धोखा कहा गया है जो और बिगड़ते जाओगे, धोखा खाते जाओगे, क्योंकि वो रास्ता, अभी रास्ते बहुत सारे रास्ते अभी मिलेंगे ना, पर प्राचीन मार्ग जो परमेश्वर ने निश्चित किया है, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, और जो पहले बोल दिया गया कि देखरेख करना, रक्षा करना, और अपने सारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो जब रक्षा करने का, देखभाल करने का स्वभाव आएगा, ये दुष्ट के हाथ में पड़े हुए लोग, ऐसे भी प्यारे प्यारे लोग हैं जो परमेश्वर की भूख प्यास में, उन्हें इन बातों से कोई लेना देना, वो लोगों के लिए हाथ उठाकर अपने घुटने काले कर रहे हैं। पर अगर ये सारे घिनौने काम नहीं त्यागोगे, तुम्हारा परिवार नाश हो जाएगा, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सेनाओं का यहोवा। ये आगे मैं इन सब बातों को बताऊंगा जो तुम्हारे लिए इतनी भयानक हो जाएगी कि तुम्हारे कान झनझनाएंगे उन बातों से, और ऐसा होना चाहिए इसलिए कि दुष्ट के हाथ से छूट जाओ। कोई नहीं है तुम्हें बताने वाला कि तुम दुष्ट के हाथ में। कुछ पदों को और देख लेते हैं, चलो। जकरिया 3:7 में कहा गया है, जकरिया 3:7 मैं पढ़ देता हूँ। आज हम पवित्र शास्त्र के ये वचन मार्ग के पढ़ेंगे, जकरिया निकाल लीजिए, मार्ग। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पे चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। इतना खूबसूरत वादा, आना जाना। यीशु प्रभु ने कहे कि द्वार मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, वो अंदर बाहर आ जाया करेंगे। चोर कौन से दरवाजे से आता है, ये अच्छे से आप जानते हैं। उसी तरह अगर मैं मलाकी का देख लें, मलाकी का 3:1 देखें, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और जब वो आएगा,
तो दूसरा पद पढ़ लेना इस कि कौन सह सकेगा। हमारे लिए इतनी आनंद का सुसमाचार कि हमारे लिए एक उद्धार करता जन्म, महिमा पृथ्वी पर आ गई, परमेश्वर पृथ्वी पर आ गया, उसे तुमने बड़ाई का बेटा ही समझ लिया और काम उसी तरह से कर रहे हो। इसलिए यीशु ने बोले थे कि टुकड़े किसको नहीं देते, ये अच्छे से याद हो। सुअरों के आगे क्या नहीं डालना, ये अच्छे से पता है। कौन से कैडर में हो, सुअर ऊंट मार्ग का मैंने बता दिया। खुर कैसे पटे रहते हैं, सुअर के पैर दिखाता है कि हाँ मैं अच्छे मार्ग में बैठा, कीचड़ में जुगाली भी नहीं कर रहा, जुगाली तो लालच की कर रहा है, पैसा की पूजा कर रहे हो, वो तो जेंटाइल्स करते। थोड़ा सा विदेश घूम के आ गए, वो पानी में बैठी हुई वेश्या की नगरी न्यूयॉर्क, सोच लिए जो नाश होने वाली है, तो सोच लिए कि नहीं ज़्यादा अच्छा था स्वर्ग घूम के आ जाते। अगर ये कड़ी बातों को अपनी मिनिस्ट्री और चर्च में अप्लाई कर दो ना, तो लोगों के लिए प्रकाश हो जाओगे, वो बुजुर्गों की आशीष तुम्हारे लिए ना वरदान हो जाएगी। बड़े बड़े वरदानों की खोज में लगे रहो, गड़े हुए धन की खोज में लगे रहो, शैतान को लूटो, ये शब्द बोलते तो आता है, किस किस तरह से चालाकी करते, लोगों को गुमराह करके व्यापार करते हो। तुम्हारे डाकुओं की खो में रहने वालों, बहुत करीब तुम पर वो कोड़े पड़ने वाले हैं, तुम्हारे पूरे पीड़े उलटने वाले हैं। इस देश में तुमको समझ में आ जाएगा, तुम चिल्लाओगे। यिर्मयाह को बोला गया था, जब बोला था, इजरायली बोलते हैं कि जा तू परमेश्वर से बात कर और जो वो कुछ कहेगा हम मानेंगे। और 10 दिन बाद जब परमेश्वर का वचन जब उसने सुनाया कि नहीं तुम यहीं रहो, तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम तो मिस्र में रहेंगे। और नबूकदनेस्सर ने क्या हाल किया, बस ये बात समझ लो, ये पूरा होना है। अगर स्वर्गीय स्थानों में रहना नहीं सीखोगे, बोलते बहुत हो कि गोशेन में हमेशा उजाला रहेगा, अंधेरे में परवरिश हो रही है तुम्हारी, पालन पोषण, तुम्हें भोजन भी जो मिल रहा है, प्रेम के बारे में तुम क्या जानोगे। 1 कुरिन्थी 13 बहुत बता दोगे, जो जानते हैं उनसे पूछो। ये नोट तो कर ही लिए होगे। सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज लिखी है इब्रानी 12:13 में। इब्रानी 12:13 पढ़ देना चाहिए, इब्रानी की किताब है, प्रकाशित वाक्य में तो जाना है। इब्रानी 12:12-13, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे उत्तम मार्ग हो गया ना, तो लंगड़े जो आड़ा तिरछा चल रहे थे सुधार लो, वो सब चीजों से निकल आओ। बाइबल बार बार कह रही है ये झूठे शिक्षक, भटकाने भरमाने वाले। पिछले समय में मैंने बताया था 1 कुरिन्थी 4 कि वो पूरा उस पे दिया था कि कैसे हैं झूठे शिक्षक। और इस बात को और देखना है और अच्छे से, परमेश्वर पिता सेनाओं के यहोवा जो या शेर या खाद है, मैं हूँ जो सो हूँ, तो उसका सुन लो। एचकेएल में एचकेएल नबी हैं, पुराने नबी लोग हैं, ये परमेश्वर के मुंह हैं, इनको सुनना चाहिए। पहले पद से पढ़ देता हूँ, यहोवा का यह वचन मेरे साथ पहुँचा, हे मनुष्य की संतान इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं और के विरुद्ध भविष्यवाणी करके, तू कह यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यूं कहता, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाते, जबरदस्ती दर्शनों का ढोंग, आंख बंद करके स्वर्ग को देखने का ढोंग, जितना पढ़ते हैं इधर उधर से उसको इमेज में परिवर्तित करके देखने का ढोंग, और बोलते हैं हमको विजन मिल। अगर वो अपने पूरे विजन देखें पुराने समय के निकाल के, तो थोक के भाव हैं ये बाइबल में जितने दर्शन परमेश्वर ने नहीं दिया। हो सकता है कि प्रभु के एक ही क्या बोल सकते हैं, अगवा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, उसको मिल गए होंगे उसके ज़्यादा विजन और दर्शन, पर पूरा कौन सा हुआ उसे अगर पूछा जाए तो ये काल्पनिक दुनिया अपनी आत्मा के द्वारा, तो ये पूरा पढ़िएगा, इसमें लिखा है खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। ये खंडरों में की लोमड़ी क्या होती, वैसे ही होती है। पौलुस ने बोल तो दिया कि सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, उत्तम मार्ग सुन भी ली है, और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये परिवर्तन होना है एक शानदार, इन सच्चाइयों के साथ अगर आपने कमर कस ली, तो अपने छोटे छोटे ग्रुप में आशीष का और प्रकाश का कारण बनोगे, नहीं तो इससे बड़ी बड़ी समस्याएं, हर चीज खत्म हो रही है।
चिन्ह है इसराइल में नेतन्याहू ने प्रस्ताव पारित करके जो जुडिशियल रिफॉर्म है वो कर दिया। कहने का मतलब कि सब हमारे अधिकार में रहेगा, सीनेट्स के जैसे यहाँ सांसद, और यहाँ बन चुका, यहाँ पहले से वो मसौदा तैयार है, वहाँ खत्म हो चुका। बहुत सारे चिन्ह और भविष्यवाणियों की बात हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही हैं साथ साथ, वो तो होंगी, उससे क्या फर्क पड़ना है, वो तो सब। पर आपके साथ क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपका हर दिन कोई 10-5 मिनट 2 मिनट किसी की भलाई के लिए है, किसी से प्रेम के लिए है, कि घड़ी की उलझनों में अपनी लोभ लालच में इससे जब तक निकलोगे नहीं, ये रास्ते नहीं समझ में आएंगे। बोलना आएगा, खूब बोल सकते हैं, पर चलना नहीं आएगा। वो दुख नहीं जान सकते, यीशु का रोना नहीं पहचान सकते। उन लोगों के लिए कुछ देर सचमुच में एक इंसान बनकर, एक विश्वासी बनकर अगर करने की इच्छा रखोगे, उनकी रक्षा कर पाओगे, देखभाल कर पाओगे, और उसका वादा जो मार्गों में को पूरा करेंगे, लोगों के लिए कंकड़ पत्थर हटा देंगे, गड्ढों को भर देंगे, चौरस कर देंगे कि कोई गिरे ना, यही है सबसे उत्तम मार्ग। क्योंकि बाइबल में सबसे कड़ी बात कही थी प्रभु यीशु ने, सबसे कठोर बात एक ही कही थी कि जो ठोकर खिलाए उसके गले में चक्की का पार्ट डालकर उसको समुद्र में डाल दे। तो ये जो ठोकर खिला रहे हैं नाना प्रकार की शिक्षाओं से, आप उसमें मत भटको, प्रभु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। कोई ज्ञानी नहीं है, बाइबल में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी, और ये है युग में, जाते जाते आखिरी में युग की वो बात मैं पढ़ देता हूँ। ये एक बड़े विशेष बात है जिसमें बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं पढ़ता हूँ 28:20 से पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु को तौल ठहराया, जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। देखिए हर चीज का नाप, तुम जैसा नापते हो नापा जाएगा। ये सारी चीजें परमेश्वर ने, हर चीज उसका गणित, हर अंग, हर चीज, हर तादाद, हर नियम। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ। ये सारी चीजें परमेश्वर ने ठहराई और फाइनल जो इतनी वचन इतने खूबसूरत सच्चे और हर जगह भले हैं और अंतिम समय में पवित्र आत्मा के प्रकाशन से ये मार्ग जो हो सकता है कि बुद्धि से परी हो, समझ में ना आ रहा हो, ये जो मैं बता रहा हूँ मैं भुक्त भोगी हूँ, दुख की पराकाष्ठा को समझा है, वेदना और पीड़ा को जाना है और वो आसानी से नहीं जानी जा सकती, तो इतना आसान भी नहीं समझना, क्योंकि यीशु के नाम में ये सारी चीजें पूरी होनी है, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, सच्चा प्रायश्चित कर लो, नहीं तो बुराई तुमको कोड़ है बुराई। यीशु ने कहा अपनी प्रार्थना में आखिरी लाइन है, मित जोर कोड़ तुम्हारे अंदर होंठों में, हर जगह तुम्हारी नजरों में, सुनने में, सोचने में, अगर तुम कोड़ी हो तो ये तुम्हारे ये वचन कोई काम के। और सचमुच में तुमने बपतिस्मा लिया है यीशु के नाम का और स्वीकार किया है कि तुम पापी हो, तो तुम्हारे लिए ये काम, वो क्षमा करता है निश्चित, इसे मजाक मत बना। अगर क्षमा ही मांगते हो तो परमेश्वर को शर्मिंदा करने के लिए, दंड के लिए तैयार रहो। भीख मंगे तो तुम हो हमेशा, पर देने और बांटने वाले बन जाओ, कम से कम ऐसे लोगों को जो तुम्हारी ओर आस से देख रहे हैं। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि जैसे दास की नजर अपने स्वामी के हाथ की ओर और दासियों की अपनी स्वामिनी की ओर होती है, वैसे ही मेरी नजर कहाँ रहना चाहिए। मिल जाएगा, दो तो देने वाले बन और दो तो दिया जाएगा। ये लेन देन रईस बनने के लिए रुपए का मूल्यन हो ही रहा है, 83-84-85 रुपए पे पहुंच गया है एक डॉलर, कितनी ही है उसकी कीमत, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट किस काम का।
इन सारी चीजों को हर दृष्टि से समझकर वो जो छेद वाली थैली है, याद आया क्या कि तुम्हारे हाथ टूटे हैं, यर्मिया 2 में बोला गया है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि ये बात क्योंकि रईस बनना चाहते हो ना, धनी, धनी का स्वर्गीय राज में प्रवेश, देख लो भैया यर्मिया 2 में लिखा हुआ है। जो लिखा है 2:12 से पढ़ देता हूँ। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रहता। अपनी मनमानी बना लिए, नहीं रहता, डॉक्टर के पास जाता है वो इधर उधर से निकल के, छीन लो अनाथों का पैसा, अनाथों के जीवर, अनाथों के घर बार, क्या वायदा हुआ, तुम सबको खोते चले गए। और ऐसे लोग तो और खतरनाक होते हैं जो दुख के समय, महान पीड़ा के समय बोलते हैं कि अपने को अकेला मत समझना। कितना शैतान ऐसे व्यभिचारी, कितनी घिनौना स्वभाव, जिसको लूटना है उसको क्या बोलते हैं और उसको बदनाम करते हैं लोगों के बीच में, दोषी ठहराते हैं, अपने दोष उस पर डालते हैं। निश्चित इनकी तादाद बहुत ज्यादा है इस तरह के लोगों की, जो आश्वासन देते हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान यहूदा बिल्कुल पढ़ा करो, एक पूरी बात है उसमें, पूरी मेहनत की है, जितनी मेहनत प्रकाशित वाक्य में यहन्ना को लगी, हर एक को जितने अपने पूरी किताब में मेहनत लगी, उसको एक अध्याय में उतनी मेहनत लगी है, वो जितना सब पवित्र शास्त्र में है उतना उसमें मिल, यानी सब महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूँ, होगे का देख लीजिए इसको एक बार, उसका पढ़ लेते हैं आखिरी कि सुनसान पड़ा है और सब अपने घर की चिंता करते हैं, परमेश्वर के भवन की नहीं। तो तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मार्ग तैयार करो परमेश्वर।